नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। शरद पवार के दौरे से राष्ट्रवादी पार्टी में हुआ उत्साह का संचार। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले, ईडी की कार्रवाई से सरकार नहीं डरने वाली। भाजपा ने किया एनआईटी का घेराव। विधायक कृष्णा खोपड़े ने कहा, गुड्डेवारी जीआर तुरंत रद्द करे। और गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर में नए लड़ाकू सैनिकों का दीक्षांत समारोह। गार्ड सैनिकों ने ली शपथ। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया शरद पवार के नागपुर दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो गया। वर्धमान नगर के सात वचन लॉन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी बड़े नेता एक मंच पर नजर आए। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनका यह प्रयास सफल नहीं होगा। अनिल देशमुख को बेवजह फंसाया गया है, उनकी कोई गलती ही नहीं है। देशमुख जल्द ही कार्यकर्ताओं सहित पार्टी की गतिविधियों में नजर आएंगे। सम्मेलन में नागपुर शहर सहित जिले के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। इनमें सांसद प्रफुल्ल पटेल, पूर्व मंत्री रमेश बंग, राजेंद्र जैन, सुबोध मोहिते, शब्बीर अहमद विद्रोही, दीनानाथ पडोले, प्रकाश गजबिये, शेखर सावरबांधे, प्रवीण कुंटे, आभा पांडे, दुनेश्वर पेठे मौजूद थे। शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख पिछले कई वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। एनसीपी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। हालांकि राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार ईडी के खिलाफ बेबाकी से जवाब दे रही है। देशमुख की कोई गलती नहीं है, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया गया है। उनके कार्यक्रम में नहीं होने से काटोल के कार्यकर्ताओं में रोष है, लेकिन रांका अध्यक्ष शरद पवार ने भरोसा जताया कि देशमुख जल्द ही हम में नजर आएंगे। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आगामी महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को अपने मतभेदों को भुलाकर काम शुरू करने की जरूरत है। महानगर पालिका में सत्ता हासिल करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करना होगा। मैं पिछले 40 साल से पवार के साथ काम कर रहा हूं। वे 10 साल तक केंद्र में मंत्री रहे। नागपुर समेत विदर्भ में सभी को एनसीपी को नंबर वन पार्टी बनाने के लिए ताकत दिखानी चाहिए। अनिल देशमुख जल्द ही पार्टी की ताकत बढ़ाने के लिए हमारे साथ होंगे। आज देश को पवार के प्रगतिशील सोच के विचारों की जरूरत है। कट्टरपंथी ताकतें सांप्रदायिक दंगे फैलाकर महाराष्ट्र को निशाना बना रही है, लेकिन प्रगतिशील विचारधारा के कई पवार सामने आएंगे। स्मार्ट सिटी ने कई लोगों को सड़कों पर ला दिया है। गुंडेवारी नियमों को ताक पर रखते हुए राज्य सरकार ने पर स्क्वायर फीट के नियमितीकरण के दरों में 3 गुना बढ़ोतरी की है, जिसके चलते इस जीआर के खिलाफ भाजपा ने गुरुवार को एनआईटी का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी के विधायक और पार्षदों ने एनआईटी के सभापति को ज्ञापन दिया, यदि तत्काल जीआर रद्द नहीं किया गया तो शहर में बीजेपी तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। राज्य की ठाकरे सरकार ने गुंडेवारी के नियमों को ताक पर रखते हुए पर स्क्वायर फीट पर 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। जिन्होंने 50 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉट खरीदा, उन्हें अब 3 गुना ज्यादा गुंठेवारी भरनी पड़ेगी, जो गरीब लोगों के साथ एक तरह की धोखाधड़ी की गई है। इसीलिए भाजपा नेताओं ने गुरुवार को गुंठेवारी जीआर को तुरंत रद्द करने की मांग करते हुए एनआईटी का घेराव किया और गुंठेवारी जीआर रद्द करने के लिए एनआईटी चेयरमैन को ज्ञापन दिया। साथ ही जीआर तुरंत रद्द नहीं किया गया तो भाजपा तीव्र आंदोलन करेगी, ऐसा इशारा भी दिया गया। इस दौरान विधायक कृष्णा खोपड़े, महापौर दयाशंकर तिवारी, प्रवीण दटके समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। क्या बताओगे, आज घेरा किया गया बीजेपी द्वारा? राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांनी गुंठेवारी अंतर्गत जे 56 रुपये नियमितीकरणाचे लागत होते त्याच्यामध्ये त्यांनी टिप्पल वाढ केली आणि लगभग आता प्रति स्क्वेअर फूट ज्या लोकांनी 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपयामध्ये प्लॉट खरेदी केले आता त्यांना 168 रुपये प्रति फूटच्या नावाने चार्ज भरणं पडत। ही सरकार एक तर सगळ्या क्षेत्रामध्ये फेल झाली आहे, विकासाच्या कामात 0 आहे, लेकिन भ्रष्टाचाराच्या याच्यामध्ये देशामध्ये अव्वल आहे। आणि म्हणून या सरकारमध्ये असलेले सगळे, राष्ट्रवादी असेल, काँग्रेस असेल, शिवसेना असेल, यांच्यापैकी एकही नेता या विषयावर बोलत नाही। राज्याच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे, विशेष करून नागपूर शहराच्या
आउटर भागामध्ये लगभग 5 लाख भूखंडारक आहे, त्यांच्यावर अन्यायकारक भूमिका या शासनाने घेतली आहे आणि म्हणून हा काळा जीआर उद्धव ठाकरे सरकारने काढला आहे. याच्या पत्रहीसुद्धा 2 दिवस पहिले आम्ही मुख्यमंत्री महोदयांना दिलं आहे आणि म्हणून त्यांना मागणी केली आहे का हा काळा जीआर आपण ताबडतोब रद्द करा. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कंटिन्यू आपण आंदोलन करत आहोत. यानंतरसुद्धा 22 तारखेला नागपूरसुद्धा पन्ह्याच्या झोनमध्ये बी आम्ही आंदोलन करणार आहोत आणि म्हणून अशा प्रकारचे जीआर काढून जी अन्यायकारक भूमिका शासनाने घेतली आहे ते कोणत्याही दृष्टिकोनातून योग्य नाही आणि म्हणून हा जीआर आपण रद्द करावा अशा प्रकारची मागणी आहे. गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर कामटी के तत्वावधान में बुधवार को 130 कोर्स के रिक्रूट ने भारतीय सेना के सैनिक रूप में शपथ ली. इस अवसर पर शानदार भव्य पासिंग आउट परेड आयोजित की गई. परेड के दौरान उन्होंने जान की कीमत पर भी देश की रक्षा करने की शपथ ली. गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर के इतिहास में यह पहली बार था कि परेड की समीक्षा एक वायुसेना अधिकारी एयर मार्शल शशिकर चौधरी AVSM, VSM, ADC, AOC इन सी मेंटेनेंस कमांड द्वारा की गई, जो कि संयुक्त कौशल की सच्ची भावना को प्रदर्शित करता है. रिक्रूटों को संबोधित करते हुए समीक्षक ने बताया कि सैनिक होना एक गर्व का विषय है और साथ ही भारी जिम्मेदारी भी है. उन्होंने रिक्रूटों को शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से देश के सेवा के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट गार्ड सैनिकों को मेडल देकर सम्मानित किया. सभी क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिक्रूट कुमावत नरेंद्र मधुराम को सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट की ट्रॉफी प्रदान की गई, जो कि महाराष्ट्र राज्य के जिला ठाणे का रहने वाला है. रामटेक में वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. सालों से चली आ रही परंपरा अनुसार इस साल कोविड नियमों के तहत 5 झांकियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. रामटेक का सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वैभव वैकुंठ चतुर्दशी और त्रिपुर पूर्णिमा के शुभ पर्व पर पिछले 38 सालों से शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाती है. इस वर्ष भी रामटेक की शोभा यात्रा 18 भुजा गणेश मंदिर से निकाली गई और नगर भ्रमण करते हुए गांधी चौक लंबे हनुमान मंदिर के पास शोभा यात्रा का समापन किया गया. इस दौरान विधायक आशीष जायसवाल, भारतीय जनसेवा मंडल के अध्यक्ष पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौक से, पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन रेड्डी, उदय सिंह यादव, नगराध्यक्ष दिलीप देशमुख, जिला परिषद सदस्य दुधराम सवालाखे, नगर परिषद उपाध्यक्ष आलोक मानकर, तुकाराम बाबा, समाज सेवक गोपी कोल्लेपरा, सुनील रावत, मिताराम सवालाखे, डॉक्टर रामसिंह सहारे, पीटी रघुवंशी, बबलू दूधबर्वे, रामचंद्र आडमाची आदि उपस्थित थे. उपविभागीय अधिकारी वंदना सवरंगपते, तहसीलदार बालासाहेब मस्के, मुख्याधिकारी हर्षल गायकवाड़, पुलिस निरीक्षक प्रमोद मकेश्वर, पुलिस उपनिरीक्षक विवेक सोनवणे समेत प्रशासकीय अधिकारी के प्रमुख मार्गदर्शन में शोभा यात्रा निकाली गई. इस दौरान शहर में चारों ओर रोशनी, आकर्षक सजावट की गई थी. शोभा यात्रा देखने के लिए लोगों ने भीड़ की थी. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. भाजपा नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने पत्र परिषद ली. इस दौरान उन्होंने ट्विटर पर किए गए वक्तव्य पर बने रहने की बात कही. साथ ही उन्होंने कहा कि वे कभी भी हर्बल तंबाकू या शराब पीकर बोलते नहीं, ऐसा भी तंज उन्होंने नवाब मलिक को कसा. डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल हाथ पर बंधे हुए गृह मंत्री है, उन्हें हर बात पूछकर करनी पड़ती है, इसलिए उनका गृह विभाग पर नियंत्रण नहीं है.
साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कभी झूठ नहीं बोलने की बात संजय राउत ने कही थी, यानी बिल्ली कभी चूहा नहीं खाती, ऐसा पलटवार संजय राउत पर किया। सच ही कहा कि जिस राज्य में भाजपा सरकार नहीं है वहां दंगल होती है, क्योंकि भाजपा सरकार दंगलखोरों पर तुरंत कार्रवाई करती है। कारण की मी जे काही बोलतो ते शुद्धित बोलतो, कोणताही हर्बल तंबाखू खाऊन बोलत नाही, कोणताही दारू पिऊन बोलत नाही, आणि त्याच्यामुळे नवाब मलिक सारखं बेहोशीमध्ये वक्तव्य करण्याची माझी सवय नाही, आणि म्हणून जे बोललो त्यावर कायम आहे। भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यामध्ये दंगली होत नाही, महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्यामध्ये किंवा सेक्युलर तथाकथित सेक्युलर डाव्या विचाराच्या राज्यामध्ये दंगली होतात, कारण या दंगलीला संरक्षण देण्याचं काम हे सरकार करतं, प्रोत्साहन देण्याचं काम हे सरकार करतं, त्यातले मंत्री करतात, हा माझा स्पष्ट अनुभव आहे। पालकमंत्र्यांना पूर्वनियोजित दंगल वाटते आहे तर त्यांनी त्यांच्या गृहखात्याकडून तपास करावा, आणि 12 तारखेच्या अगोदर जेवढे काही फुटेजेस आहे आम्ही द्यायला तयार आहे, आम्ही त्यांचे व्हॉट्सअप द्यायला तयार आहे, आम्ही त्यांचे व्हिडिओ द्यायला तयार आहे, त्या सर्वावर कारवाई करायची हिम्मत पालकमंत्र्यांनी दाखवली। वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्य गिरोह का भंडारा अपराध शाखा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लिफ्ट मांगकर चालक को चाय में बेहोशी की दवा देकर वाहनों की चोरी करने वाले अंतरराज्यीय टोली का स्थानीय अपराध शाखा और साइबर सेल ने पर्दाफाश किया। इस टोली ने भंडारा जिले के साथ गोंदिया, चंद्रपुर और मध्य प्रदेश के मंडला से वाहन चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक एर्टिगा वाहन जब्त किया है, साथ ही अन्य चोरी की गाड़ियां बिक्री करने की बात आरोपियों ने कबूल की। पुलिस ने पुष्पेंद्र सिंह उर्फ गब्बर, मितंजय सिंह चालुक्य खैरागढ़ राजनांदगांव निवासी, सतबीर सिंह निंदर सिंह शेरगिल भिलाई निवासी, भास्कर ऋषि नंदेश्वर साकोली निवासी, इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तुमसर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 9/11 एक गुन्हा दाखल झाला होता। जो फिर्यादी आहे त्याची इर्टिगा गाडी आहे, तो इर्टिगा गाडी घेऊन त्या ठिकाणून जात असताना एक जाडसर माणूस त्याला लिफ्टची कारण सांगून त्या गाडीमध्ये बसला। पुढे गेल्यानंतर त्यांनी चहा पिण्याच्या बहाण्यानी त्याला चहा पिण्याचा उतरवला आणि सोबत बिस्किट आहे ते बिस्किट त्याला खायला दिलं। थोड्या वेळाने तो चालक जो ड्रायव्हर आहे तो बेशुद्ध पडला, त्याच्यानंतर त्यांनी त्याला खाली उतरवला, गाडीतून खाली ठेवून दिला आणि गाडी घेऊन गेले होते। असाच प्रकार 4 ठिकाणी झाला होता, चंद्रपूर, मध्य प्रदेश आणि गोंदिया आणि आमचं एक 4 ठिकाणी असेच प्रकार झालेले होते। यामध्ये काही क्ल्यू नसताना आमच्या स्थानिक गुन्हे शाखेचे कर्तव्यदक्ष पोलीस उपनिरीक्षक PSI राऊत आणि त्यांच्या टीमनी त्याच्यामध्ये व्यवस्थित तहकीकात करून CCTV फुटेजची मदत घेऊन आणि आमच्या सायबरचे API भूषण पवार आणि स्नेहल या दोघांनी तांत्रिकदृष्ट्या विश्लेषण करून या आरोपींचं लोकेशन राजनांदनगाव या ठिकाणी मिळाल्यामुळे त्याचा त्या ठिकाणी सिनेस्टाईल जसे पिक्चरमध्ये आपण पाठला करतो अशा पद्धतीची पाठला करून 2 आरोपी तिथून आम्ही अटक केलेले आहेत आणि त्यानंतर एक जो मेन आरोपी आहे नंदेश्वर याला मी नागपूरवरून आणलेला आहे। या तिघांकडून इर्टिगा गाडी मिळालेली आहे, त्याच्यासोबत 127 झोपेच्या गोळ्या त्याच्यामुळे मिळालेल्या आहेत आणि यामध्ये या चारही गाड्या 3 गाड्या एकतर आम्हाला मिळाली, या 3 गाड्या त्यांनी तेलंगणामधील शंकर नावाच्या इसमाला विकलेल्या आहेत। या संदर्भात तपास पुढे चालू आहे आणि प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी टीममध्ये जाणारे आमचे PSI राऊत माझ्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडून काही विचारायचं असेल तर आपण विचारू शकता। स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर नागपुर में अन्नत्याग आंदोलन पर बैठे थे, इस बीच उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आंदोलन का असर बुल्ढाना में देखने मिला। रविकांत तुपकर की गिरफ्तारी के बाद बुल्ढाना में आंदोलन ने आक्रामक रूप ले लिया। विदर्भ और मराठवाड़े के किसानों को कपास और सोयाबीन को योग्य भाव देने के लिए स्वाभिमानी किसान संगठन के नेता रविकांत तुपकर के नेतृत्व में नागपुर के संविधान चौक में अन्नत्याग आंदोलन शुरू किया, साथ ही अन्न का एक कण भी नहीं खाने की प्रतिज्ञा की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इस घटना के निषेध में बुल्ढाना जिले में रविकांत तुपकर को गिरफ्तारी के बाद बुल्ढाना में आंदोलन तीव्र हो गया। बुल्ढाना के देउलघाट और देउलगांव मही में स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया।
इस वर्ष खरीफ की फसल के लिए कर्ज लेकर खेती करने पर भी खेत में समाधानकारक उत्पादन नहीं मिलने और कर्ज के बोझ से परेशान किसान ने कीटकनाशक जहरीले दवा का प्राशन कर आत्महत्या करने की घटना सामने आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर के कामठी तहसील अंतर्गत आने वाले खैरी ग्राम के किसान योगेश धनराज धांडे की खैरी गांव में खेती है। खेत में फसल लेने के लिए इस वर्ष उन्होंने कर्ज लिया था। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि इस वर्ष उनके खेत में फसल अच्छी नहीं हुई थी। ऐसे में फसल और कर्ज को लेकर योगेश इन दिनों काफी परेशान रहता था। इसके अलावा उनके पिता की कोरोना की वजह से 2 माह पूर्व ही मौत होने से भी वह काफी मायूस सा रहने लगा था। सोमवार की रात को योगेश ने किसी कीटकनाशक दवा का प्राशन करने से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने तुरंत ही उनको कामठी रोड स्थित आशा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान मंगलवार की शाम करीब 5 बजे उसकी मौत हो गई। मृतक गांव के सरपंच मोरेश्वर कापसे के भतीजे बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कामठी के जूना पुलिस थाने के कर्मचारियों ने अस्पताल पहुंचकर पंचनामा किया और आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।